इधर करने दो ना, तुझे ऑनलाइन स्टोर से मेरी आवाज आ रही है? इधर से बंद कर। इसका माउस क्यों? सर कक्षा नंबर 8 का कोई टेबल बनवा देंगे, ट्राई किए? अच्छा बना ही नहीं, इसका बस वो टेबल बना देते हैं, बाकी फिर अगर कोई और मसला तो मैं डिस्कस कर लूंगा। एक बार दोबारा सुन के रिवाइज कर लीजिएगा, हाउ टू थिंक अबाउट दिस टेबल। ऑनलाइन स्टोर का आवाज ठीक आ रही है? डिशवॉश करूंगा। जी अब ठीक है सर, चले सर बनवाया। जरा एक मिनट, जरा दोबारा डाटा देख के रिवाइज करें। मटेरियल नेम एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। एट सेवेंटी सिक्स। अभी एक दफा ना दोबारा एक चीज फाइनल कर लें, हम जरा यूज तो हो गए हैं यूनिट्स के लफ्ज से, और यूनिट्स का जो लफ्ज है उसका वैसे अपना कोई खास मीनिंग है नहीं। यूनिट्स केजीज में भी होते हैं, टन्स में भी हो सकते हैं, लीटर्स में भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीसेस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ यूनिट्स जो है वो केजीज में बन, मतलब जो बन रहा है वो केजीज में बन रहा है, ठीक है? तो एक्चुअल मेरा ख्याल इसको बोलते हुए कांडी आपको बोलना ऐसे ही चाहिए कि 876 यूनिट्स बने, लेकिन वो यूनिट्स किस में है? केजीज में के बने। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 876 वन केजी शुड टेक हाउ मेनी केजीज ऑफ मटीरियल है, ये बस ये गेम है बस। बोलेंगे सेंटेंस सर मैंने क्या बोला? वन केजी शुड टेक हाउ मेनी केजीज ऑफ ए, वन केजी ऑफ फिनिश वुड्स शुड टेक हाउ मेनी केजीज ऑफ ए बी एंड सी, ये ढूंढना। ऊपर ध्यान रखो, फर्स्ट टेबल 750 पर केजी। अब ये कितने केजी का स्टैंडर्ड दिया हुआ, मतलब इसका ये कि अगर 817 केजी बनाए जाएंगे तो 750 केजी लगेंगे। तो अब हम क्या देखना चाहते हैं कि अगर 876 केजी बने
तो ए पे फिर ए के कितने केजीज उसमें लगने चाहिए थे, ठीक है, तो उसके लिए वही क्या करें, केजीज पर केजी, केजीज पर यूनिट निकालना, कैसे, 750 डिवाइडेड बाय 817, दूसरा क्रम 876 मल्टीप्लाइड बाय 150, 750 डिवाइड बाय 817 हो रहा है, ये हो क्या रहा है बेसिकली, केजीज पर यूनिट, ठीक, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट निकल रहे हैं, फिफ्टी डिवाइड बाय, सॉल्व कीजिएगा, 804.16, बता दें जो आ रहा है क्या सर, 0.16, दूसरा 160.,, तीसरा 653., आखिरी कॉलम ढूंढे, अब ढूंढना यहाँ क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन एक्चुअल मिक्स, अब वो डेफिनेटली एक्चुअल में तो खुद बहुत ही होगी, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल मिक्स में ही होगी, तो 170 सॉरी 750, 185 एंड 65, टोटल हो गया 1000, यहाँ टोटल करेंगे 101, ठीक है, अगर आपने राउंड ऑफ कर लिया तो वो नहीं ना हो जाएगा जी सर, ये सेकंड कॉलम अब फाइनल करेंगे, नहीं अंग्रेजी में बात नहीं बननी, करना क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करना, जो लग गया 1000 ये स्टैंडर्ड के मुताबिक कितना 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 एबीसी में डिवाइड होना चाहिए, इसका तरीका क्या है, जाना कहाँ है, एक्चुअल क्वांटिटी तो लिख ली हमने, अब हमें स्टैंडर्ड में जाना है, तो सवाल में जरा स्टैंडर्ड डेटा ढूंढना, अब प्रपोर्शन देखना है ए बी और सी का स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, तो एक टोटल करना पड़ेगा आपको किसी जगह, सम करें जरा, 750 प्लस 150 प्लस 50 मतलब इसका क्या है, 950 क्या, 950 केजी अगर लगे तो उसका ब्रेकअप 750 150 और 50 केजी है, ठीक है, तो यहां से अब हमने स्टैंडर्ड मिक्स निकालना, पर केजी नहीं निकालना, अब स्टैंडर्ड मिक्स बनाना, बताएंगे क्या करूं, इनटू 750 डिवाइडेड बाय 950, ये उसी तरह से हो गया जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, वहां जो 30 था उसकी जगह यहाँ 750 है, वहां जो 25 था वो यहाँ 150 है, और वहां जो नहीं था सी वो यहाँ है, वहां जो टोटल 55 था दोनों का, यहाँ तीनों का 950 है, ठीक है सर, फिगर्स बाकी सॉल्व कर दे, 1000 × 150 / 950, रिजल्ट कर लिया था यार, आंसर बता दो, 789.47, 157.89, 3163, 52.63, बाकी तो नहीं इशू कोई और,
इशू नंबर वन वही तो नहीं सर, ये सवाल अभी नजर से गुजरा, मियां जज्बाती भी अंधाधुंध लिखा जा रहा ना करें सर जी, इस तरह कोई फायदा नहीं। नहीं मतलब जिन्होंने सॉल्व किया, बाकी प्राइस वेरिएंस वगैरह तो निकला, मतलब फिगर्स तो निकला ही ना, निकल पाएगा? नहीं सर मेरा नहीं सर, तो कम करें कहाँ आ रहा, मैं वो सॉल्व कर देता। नहीं वो तो टाइपिंग एरर हुआ ना, टोटल ठीक होंगे, चलें फिर करवाएंगे। कौन से वेरिएंस में कह रहे, टोटल वेरिएंस करवाई करिए, है कोई मसला टोटल वेरिएंस? अब ये बड़े पॉइंट्स की वजह से फर्क है, बाकी देख लें आप। राउंड ऑफ किया आप लोगों ने, मैंने नहीं किया। 37 रुपीज का सर जी, वो तो मे भी आगे पीछे हो गया वो टाइप, लेकिन आप करवा दें चले, मैं देख लेता हूँ। लेकिन ये मसला वही है कि राउंड ऑफ हो गए, टोटल वेरिएंस करवाइए किधर, नहीं फिगर्स बोल देना, करवा देंगे सर टोटल वेरिएंस, डाटा देखें जिन्होंने किया करवाए, टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस कैसे करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 876, वन यूनिट शुड टेक 55 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 750 गिवन है, इनटू 37, 37 फाइनल आंसर बता दो। जो आ रहा है वो बताइएगा कैंडी, जो आ रहा है वो बताइएगा, जो आ रहा है कैंडी वही बताइएगा। 2808 ठीक है सर, 2808 सिंट 876 इनटू 150 डिवाइड बाय 817 इनटू 53 माइनस 185 मल्टीप्लाई बाय 56.25 1882 फेवरेबल या एडवर्स? एट सेवेंटी सिक्स इंटू 50 डिवाइड बाय 37 फेवर
जी ब्रेकअप ठीक नहीं आ रहा। प्राइस पे नहीं, इसमें तो नहीं कुछ प्राइस पे नहीं, इसका टोटल करा दो अच्छा एडवर्स। यूजेज वेरिएंस के कॉलम बोलना जरा, नहीं दिल मानता। सर यू कॉलम बोल रहे हैं कौन कौन से हैं? अच्छा सर जी जो कैलकुलेशन ईवी ना, वो राउंड ईवी है, और अगर आप ₹26 ठीक करना चाहते हैं तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम राउंडिंग ऑफ कैलकुलेटर पे करें। जब आपने 805, 804.16 लिखवाया तो वो बात आगे जा रही है, तो आपने उसे अगर राउंड ऑफ कर दिए, तो क्योंकि आपने यहाँ राउंड ऑफ नहीं किया, यहाँ कैलकुलेटर पे राउंड ऑफ हुआ, और यहाँ आपने कैलकुलेटर पे ही जो राउंड ऑफ हुआ पूरा लेके ये आंसर्स निकाले, और यहाँ क्योंकि अब आपने कैलकुलेटर पे से आखिरी डिजिट छोड़ दी है, इसलिए अगर आपने वो ₹23 26 ठीक करने हैं तो हमें चाहे रात हो जाए, हम ये तो हो सकता है 3-4 सवाल एग्जाम में छोड़ दें, लेकिन ये रुपए पूरा करना ये हमारी जिंदगी का आखिरी मसला। कीजिएगा जरा सॉल्व। टू जीरो अब वो वो सॉल्व कीजिएगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, 2058.14। अब कम से कम इसको तो 20 को तो राउंड ऑफ कर लेंगे, ऊपर कर दिया था हमने। ये आगे अब नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी सॉरी 185 नहीं, 876 इनटू 12। फेवरेबल या एडवर्स पहला क्या है? फेवरेबल दूसरा एडवर्स क्यों है? नहीं एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है यार, ना करो। तीसरा सेवेंटी 678 एडवर्स टोटल कीजिएगा, तब भी बहरहाल थोड़ा सा चाहे देखे 2 रुपए का आज ना जाए जी। नाइनटी नाइन क्या जी? तो 99 फेवरेबल माइनस 62.5 एडवर्स, अभी 35 ही, तो अभी अभी भी 1,000 रुपया रह गया। अगला कर लें या यही करें?
क्वेश्चन नंबर 9 सर, प्लीज अभी ना टीम चीजों पर टाइम वेस्ट किया करें, बस कर दें। इसका बल बनाएगी दिल से। मिस्टर नासिर इस तरह की अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं यार, सदी आपसे कहा था कि सारे वेरिएशंस निकालने हैं, मुझे नासर साहब ने मैसेज कर दिया टोटल वेरिएंस रिकॉर्ड ही नहीं है। पढ़ाई के अलावा अच्छी में सही समझ आ जाती है, अपने से तसल्ली से बैठे हैं कि शुक्र लगाया जा रहा। पहले कॉलम गेटिंग सर को बोल दे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। And actual mix for production. अब यहाँ raw materials का उसने exact नाम नहीं है। Salt, ash, ये सारी जल्दी से करो। Actual production बता दो। 1200 into 1200 डिवाइडेड बाय 2200, 6600। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है 6000, 4800, 1600। ठीक है, पहला कॉलम समझ आ गया, अब कैसे बनाना है दूसरा, फिर वैसे फिगर बता दो। 3300 नहीं, मतलब ये बस कॉलम की तरफ फिगर्स नहीं, इसको कंफ्यूजन तो नहीं, कोई फर्दर एक्सप्लेन करूं या 1100 और 2200। अब ये पूरा होगा नहीं, मतलब इनमें पॉइंट्स आए तो इसमें बड़ा आंसर मैच कर गया होगा आपका, तो वहां क्यों नहीं मैच हुआ, क्योंकि वहां गलत हो गया। तो बताइएगा दोनों के, 13200 एंड 14900 वाला कॉलम मेरा फाइनली एक दफा है। अब क्या सोचना क्या है, नहीं एक्चुअल क्वांटिटी मैं लिख लिया, अब फर्दर क्या सोचना, इसको कन्वर्ट करना है कि इससे एक्चुअल को लगना किस मिक्स में चाहिए था। तो इसके लिए वंस अगेन कहां जाएंगे आप, स्टैंडर्ड डेटा में, और क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1200 डिवाइड बाय 2200 करके। अब 2200 क्या, 2400 क्या, सोच के जरा। नहीं नहीं वो पर नहीं, पर कुछ नहीं है, 2200 क्या है, 2400 क्या है, 2400 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से 2200 केजी ऑफ फिनिश गुड्स बनेंगे, इट मींस कुछ लॉस है शायद, कुछ क्वांटिटी वेस्ट होगी बीच में। 2400 किलो लगाएंगे ए एस ए सी एंड एफ मिला के, तो 2200 केजी की प्रोडक्शन निकलेगी, ये एक्सपेक्टेड है। तो 2400 में 1200 हाफ है, 0.25 है एंड एक्सेट्रा। अब ये देखना 2400 में 1200 का प्रोपोर्शन क्या है, 600 का क्या, 200 का क्या और 400 का। अब ये देखना प्रोपोर्शन, देखना टोटल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज में स्टैंडर्ड मिक्स की परसेंटेज क्या है। ठीक है, एक और करवा कैसे, 4900 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 1200 डिवाइड बाय, 1200 डिवाइडेड बाय 2400 एंड मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन 600 डिवाइड बाय, अब एक मिनट सॉल्व कीजिएगा, 600 डिवाइड बाय 24 इसका मीनिंग बताएं जरा, 600 डिवाइड बाय 2400 0.25 आ रहा हो ना, ये क्या है, अरे यूनिट नहीं है सर, ये ऐश का प्रोपोर्शन टोटल रॉ मटेरियल में 25% है, और पहले का आंसर आ रहा है 0.5, उसका मीनिंग बताएं, सॉल्ट का प्रोपोर्शन टोटल मटेरियल में 50% स्टैंडर्ड है, देयरफॉर 14900 में, एक फिगर लिखवाइएगा इसका पहला आंसर, 14900 में
आधा सॉल्ट होना चाहिए था। 14,900 में 25% ऐश होना चाहिए था, एंड सो ऑन। ठीक है जी, बाला स्टिल कोई कंफ्यूज ना तो बता दो। एक मिनट, बुक दिखाइए, ये इधर बुक। क्लियर है ना प्लीज? अब जिन्हें टाइम मिला हो गया प्लीज। पेज नंबर ढूंढेंगे 138। सर क्या इसके अंदर नॉर्मल लॉस शामिल है? किस, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा? उसमें ले तो रहे, एक्चुअल क्वांटिटी में भी लॉस शामिल होगा, जो एक्चुअल लगा होगा उसमें भी लॉस होगा, तो गुड यूनिट्स में इसने अब्सॉर्ब होना जितना लॉस एक्सपेक्टेड था। किसकी जगह? नहीं सर जी, का माल है यार, पहले और दूसरे कॉलम में वर्किंग का जो डिफरेंस है वो क्लियर करें ना पहले। 2200 के है? नहीं सर, इतने बनेंगे माय डियर, तो 2400 लगेंगे। ये तो चीज क्लियर करनी है माय डियर। ये सभी एग्जाम्पल के नाम से क्वेश्चन नजर पड़ेगा प्लीज। मिल गया क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्वायरमेंट पड़ी सर। कौन कौन से वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस, मिक्स एंड लेबर रेट एंड एफिशिएंसी, बी रिक्वायरमेंट, कंप्यूट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये क्या होता जी, तो फॉर्मूला बताएं अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का। मुश्किल है सर, जरा दोबारा ट्राई करें। नहीं ज्यादा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा और ट्राई करिएगा, जरा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता जा रहा है। अप्लाइड सर, नहीं जो अकेले करना, चलें फिर बी रिक्वायर मैं खुद ही पढ़ लूंगा जब मैंने करनी होगी। अप्लाइड किसे कहते हैं सर? नहीं, चलें आप फाइनल आंसर बता दीजिए जी मुझे। रिक्वायरमेंट में अकेला कर लेता हूँ। जामिल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ जीटा। अब जीटा क्या है? जीए यूजेस, इसको जरा अंडरलाइन करके जरा एक क्वेश्चन मार्क लगा लें। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक तो पहले भी एक वर्ड आ गया, फिलहाल बारह इसकी हमें जरूरत नहीं है, जब एक और चीज पढ़ेंगे तो फिर इसका डिफरेंस क्लियर करेंगे। पेज नंबर सर वही है सर, सही साहब, रहने दे रहने दे। द ब्रेकअप ऑफ जीटा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज अंडर। मटेरियल्स दो यूज हो रहे हैं सर, कौन कौन से? 1 kg इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 unit of zeta and 2 kg of z is required to produce 1 unit of zeta. It means 3 kgs are required to produce 1 unit of zeta. आगे अगर पढ़े तो रुपीस दिए हुए। 1 kg of x कितने का आता है?
और एक केजी ऑफ जी कितने का आता है? 210 का आता है यार, 210 के है। तो 1 केजी शुड कॉस्ट, ब्रैकेट बनाए इसकी तरह, 2 केजीज एट द रेट ऑफ 105 पर केजी। डायरेक्ट लेबर के सामने क्या लिखा हुआ? 0.8 आवर्स, 200 के है पर यूनिट, 200 पर आवर है। था जी सारा डाटा पर यूनिट है यार, ऊपर पड़ा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दी भी। तो व्हाट इज 160? मटेरियल एक्स पर यूनिट, व्हाट इज 200? व्हाट इज 210? मटेरियल जी पर यूनिट, व्हाट इज 200? लेबर कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट इज 180? ओवरहेड्स पर यूनिट, दोबारा लेबर के सामने है, व्हाट इज 0.8? लेबर टाइम पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, व्हाट इज 200? लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इसकी ब्रैकेट बनवाए, 0.8 आवर्स एट द रेट ऑफ, व्हाट शुड बी लेबर रेट पर आवर? 200 है तो सही पर आवर, ये सॉल्व करें जरा, मुश्किल है थोड़ा। 200 × 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 है, व्हाट इज 200? क्या ये 200 × 0.8 आवर्स के पैसे हैं? तो एक घंटे के पैसे कितने होंगे? वर्किंग कैसे करेंगे? 200 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, तो 200 रुपए जो है 0.8 आवर्स के पैसे हैं, एक घंटे के दर पर पैसे 250। सॉल्व कर लिए प्लीज हमने। सिमिलरली इधर ओवरहेड्स का, ओवरहेड्स की ब्रैकेट में 0.8 आवर्स, ठीक है, उसके सामने 180 है, व्हाट इज 180? व्हाट इज 180? देयरफॉर क्या करूं? 0.8 आवर्स एट रेट ऑफ व्हाट शुड बी ओवरहेड्स पर आवर, कैसे? ओवरहेड्स पर आवर एनी कंफ्यूजन बात, लेकिन एक चीज और नोट करने वाली है, ओवरहेड्स मींस फिक्स या वेरिएबल? फिक्स या वेरिएबल सर? दोनों कौन कौन से? फिक्स एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन अभी है। आगे बढ़े, प्रोडक्शन ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट 16 वाज बजटेड एट 15,000 यूनिट्स, व्हाट इज दिस? बजटेड प्रोडक्शन। Information pertaining to the production of Zeta for August 16 is as under. तो 15,000 units का budget था, फिर August 16 में जब production हुई Zeta की, तो number one, raw material inventory is valued, lower of cost and NRV. Cost is determined by using FIFO. Cost card of material X and Z are reproduced below. Dates पर एक X का डेटा है और एक Z का है। 1st August opening balance of X कितने केजीज था? एक केजी का रेट क्या था? Z के केजीस कितने पड़े थे, किस रेट पे पड़े थे? लेकिन थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो 1st अगस्त ओपनिंग बैलेंस ही है और एक नीचे फिर लाइन है, एक्स में डैश है, ये 8,000 और ये 122 का लग रहा है। नहीं, वो तो बाद में है ना, फाइफो तो ठीक है, लेकिन फाइफो यहाँ कहाँ से आ गई? ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ये क्या है? ये 800 122 के है,
क्या ये ओपनिंग ही नहीं है? तो एक्स के 9000 केजीज जो ओपनिंग में पड़े उनका रेट तो 150 ही है, लेकिन लग रहा है कि जी के 4000 केजी 120 वाले पड़े हैं। और कितने केजी कितने वाले पड़े हैं माय डियर? 3 अगस्त को फिर क्या हुआ? परचेज रिटर्न हुई किसकी? जी की। किस में से? परचेज रिटर्न भी तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होती है। यानी कि अब हमें इंट्रो में जाना पड़ेगा माय डियर। परचेज रिटर्न आप जिस में से करेंगे या जिस सप्लायर को करेंगे उसी रेट पे वापस करेंगे। तो किस में से हुई रिटर्न सर? 8000 में से हुई है। तो पहले में से होती है, पहले में से इश्यूएंस होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन जो पहले पड़े थे वो पहले सेल हुए, ठीक है, वो पहले ड्रॉ हुए। एक होता ड्रॉ, 4 अगस्त परचेज हुई किस में से? कहीं से नहीं, मतलब नए आए। कितने आए एक्स के? किस रेट पे आए? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए था। नए आए जी के कितने नए आए? किस रेट पे आए? तो ये परचेज है यार, सिंपली परचेज रेट्स दी हूं। 6 अगस्त को क्या हुआ? इश्यूएंस हुई। रॉ मटेरियल की बात हो रही ना, ऐसा सेल नहीं हुई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजे। कितने केजीज भेजे? इसका रेट नहीं दिया हुआ। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन से पहले भेजे होंगे माय डियर? किस रेट वाले? लग रहा है 7000 और इशू हुए। कहां से? 17000 में से कितने बचे हुए? 10000। किस रेट वाले? 29000 का ब्रेकअप बताएं कंसंट्रेशन से। 4000 और 6 तो कहीं नहीं पूरे सवाल में, लेकिन है, है 6 ही तो है, नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या यूज हुआ सर? 4000। फिर 8 क्यों नहीं? फिर रिटर्न हो गए। कितने 8 में से यूज हुए? 6। कैलकुलेटर पकड़ना, 10 हो गए। 19 कहां से यूज हुए? 35 में से कितने बचे हुए हैं? 16 बचे हुए। तो डेफिनेटली जहां जहां से यूज हुए हैं फिर वहां वहां का रिस्पेक्टिव रेट यूज होना चाहिए। आगे नंबर 2, एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस फॉर द मंथ वर 3298 400 कंसिस्टिंग ऑफ एक्चुअल आवर्स है शायद। नंबर 3, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 5,40,000 रुपीस बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। व्हाट इज दिस? सही नाम, सही पूरा नाम, 540,000 का सही पूरा नाम बताएं। ना करें सर जी, कोई मत किया करें। जो आप वर्ड बोल रहे हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में कहीं अमाउंट के एंगल से नहीं बोला जाता, एस्टिमेटेड को सही कर लेना, क्या बोला जाता है? बजटेड है ये, लिखे ब्रैकेट में बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स की किसी फॉर्मूले में जरूरत पड़ती? किस में? उस वाले में। हाँ मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कौन से वेरिएंस में? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में आगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस में जरूरत पड़ती है और वॉल्यूम में भी पड़ती है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलने को सोच के, बजटेड एंड अप्लाइड टोटल में नहीं पड़ती। टोटल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल अप्लाइड। तो ये बजटेड फिक्स ओवरहेड नहीं। हाँ उसने एक बेस बताइए, किसकी बेस पे ये है? अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर निकालना पड़ जाए निकाल लेंगे। क्या ढूंढ के? बजटेड लेबर आवर्स। तो ये बजटेड फिक्स ओवरहेड्स है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 583,000 है। एक्चुअल सेल ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वाज 12,000 यूनिट्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएंगे,
जाने दे यार, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएंगे वो सेल क्या बराबर क्यों नहीं होगी, क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स डिफरेंट हैं, कौन सा लेजर जहन में आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। चलो मैं ही ले आता हूँ, फिनिश गुड्स से जहन में आता है। आना तो वैसे कैशियर बैंक का चाहिए था मेरे में। ब्रॉड डाउन यूनिट्स बताइएगा सर। क्वेश्चन साइलेंट है। क्लोजिंग ये पिछला एक सवाल आया था, उसमें भी तो स्टॉक्स है यार, लेकिन वो मेंटेन हो रहे थे। उस मेंटेन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग क्लोजिंग सेम थे। अब ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट होने की वजह से क्या किसके बराबर नहीं होगा? प्रोडक्शन सेल्स के बराबर नहीं होगी, तो हमें प्रोडक्शन दी हुई या सेल दी हुई, और क्या हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं? बताइएगा कितनी? 15,500। ये कर लें साथ से, छोटी सी वर्किंग लिख लें। जी सर, रिक्वायरमेंट है स्टार्ट कर। क्या करना है अब इसको सॉल्व करें एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कौन कौन से वेरियंसेस स्पीड अप हो जाए जरा। मटेरियल प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला बोल रहा। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अब चले लगाते जाए, बस मेरा ख्याल है आपसे टाइम वेस्टिंग है, जहन में रख के वर्ड्स कम करने की कोशिश करें। ये हेल्प मी सर, कितने प्राइस वेरियंसेस कैलकुलेट होंगे, किस किस के लिए, एक्स और जी के लिए? उसी तरह जिस तरह घर में आपने क्वेश्चन नंबर 9 में चार अलग अलग निकालने, सॉल्ट वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन गेम ऑन है सर। एक्स का स्टैंडर्ड रेट बताएं, फुल कंसंट्रेट, 1 kg ऑफ एक्स शुड कॉस्ट। अच्छा, इसका भी ब्रेकअप बेटा वही है बस, 1 kg एट द रेट ऑफ 160 पर kg। लेकिन क्योंकि शायद 1 kg है इसलिए शायद ज्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्लीज इंपॉर्टेंट है ये बताएं जी, स्टैंडर्ड रेट व्हाट इज, स्टैंडर्ड रेट पर kg साइलेंट है, 160 पर यूनिट लिखवा रहे हैं आप यार, मुझे पर यूनिट लिखवा रहे हैं, पर kg लिखवा रहे हैं, पर kg लिखवा रहे हैं, सेम है नहीं है हमारी, उससे कोई गर्ज नहीं। हमें चाहिए क्या, क्यों केजी चाहिए, पर केजी रेट क्यों चाहिए? तो के क्वांटिटी केजीज में यूज हो रही है, कहां लिखा है? पिछले सवाल में लिखा था, एक्चुअल रेट ढूंढे, एक्स का एक्चुअल रेट। प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करें, आपको नजर आ रहा है कुछ? आप इसने मल्टीप्लाई किससे होना, चले एक्चुअल रेट में छोड़ें जरा, इसने मल्टीप्लाई किससे होना माय डियर, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किससे होना, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड होने एक्स की 16,000। लेकिन क्या 16,000 का एक्चुअल रेट कोई एक है? क्या दो एक्चुअल रेट्स नहीं माय डियर? क्या मुझे अलग अलग तो नहीं है दो वर्किंग करनी पड़नी, एक मुझे वर्किंग करनी पड़नी है 9,000 kg के लिए, और एक मुझे वर्किंग करनी पड़नी है 17,000 kg के लिए। 7,000 कहाँ है पूरे सवाल में? कहीं नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है?
कहाँ है। 16,000 kg का ब्रेकअप हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज 16,000 kg, तो 9,000 कौन से वाले, 150 वाले, और लेंसिंग फिगर 700 वाले, 148 वाले। तो क्या आपको याद है डेकन जेल वाला क्वेश्चन निकाला? बेटा ज्यादती कर रहे हैं आप, बिल्कुल ज्यादती। ये तो सभी गेम अभी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही माय डियर, एग्जामिनर ने तो आपको नजीक भी नहीं लगने देना। हम सीरियस नहीं है और हमारा ख्याल है कि हम रिजल्ट के बाद हो जाएंगे। बहुत आए निकल गए, कब सीरियस होंगे हम? जैक एंड जिल कौन ढूंढेगा अब? सफा नंबर बताया जाए हमें। नहीं, ये तो आपका सवाल था, सफा नंबर 126 ढूंढे जी। क्या डिसाइड हुआ था? अगर एक्चुअल रेट से एक से ज्यादा हो तो एक ही रॉ मटेरियल में दो वर्किंग्स भी हो जाती हैं। कौन कौन से रेट थे? 38 भी और 42 भी। तो यहां 38 और 42 की जगह 150 भी है और 148 भी है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितनी है 148 वाली? 7000। देख लिया अपनी सबने? देख के दोबारा याद आता है सर, क्या बताए? ब्रैकेट बनवाए फिर आप। व्हाट इज एक्चुअल रेट फॉर 9000 kgs? व्हाट इज एक्चुअल रेट फॉर 7000 kgs? सॉल्व करते हैं। व्हाट इज 90,000? फेवरेबल या एडवर्स? व्हाई फेवरेबल? एंड दूसरा भी फेवरेबल क्यों है? टोटल करना। बहरहाल ये 7,000 9,000 मिलकर टोटल क्वांटिटी यूज है 16,000, बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई द सेम रेट विद द 16,000 एज इट इज, बिकॉज़ द 16,000 केजीज वर यूज्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल केजीज। ठीक है, बहरहाल क्लियर है? लेकिन शायद बात अभी आगे, अब किसका है? मटेरियल प्राइस वेरी, सिर्फ एक्स का निकलना, जी की करें जी बल्कि। सर जी पेन चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, रजिस्टर ओपन चाहिए माय डियर, ये भी हो सकता है। Z का Z लिखें पहले, स्टैंडर्ड रेट माय डियर, और 210 ही यार। व्हाई वी नीड पर केजी? क्योंकि क्वांटिटी यूज्ड यूनिट्स में है या केजीज में है, इसका क्या करना पड़ना? करें करें करें, तीन कैसे यार? व्हाट इज टोटल क्वांटिटी यूज्ड? 29 का ब्रेकअप अभी डिस्कस हुआ, 4000 कौन से वाले, 120 वाले, 6000 या 8000? 6000 कौन से वाले, और फिर 19000 रिमेनिंग कौन से वाले? तो माइनस 120 इंटू 4000, 105 माइनस 122 इंटू 6000 केजीस, 105 माइनस 125 इंटू 19000, टोटल हो गया 60,000। एडवर्स है सारे, केसेस में 105 से रेट ज्यादा, तो 542 एडवर्स।
ठीक है प्लीज, क्लियर हो गया, कंफ्यूज तो नहीं रह गए? तो डेटा तो सभी आपके सामने ही, डेटा डिफरेंट तरीकों से दिया जा सकता है, वी हैव टू सर्च फॉर द रेलेवेंट फिगर्स। जी सर, इसी में सेकंड रिक्वायरमेंट अभी क्या रहता है, मिक्स एंड यील्ड वेरियंस के लिए जगह रख लें, सफा रख लें सॉल्व करने के लिए, और वर्किंग में कहीं जाए टेबल बनाए। स्टैंडर्ड कॉन यूज्ड टेबल फाइनल करें सर, इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। प्लीज इकट्ठे नहीं सारे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? ये डियर एक दफा फाइनली फिर बनवा दें जरा यार, फर्स्ट कॉलम बनवा दें, हाउ टू थिंक अबाउट इट प्लीज। नहीं सर, इससे सीक्वेंस ये नहीं है, लिखने का सीक्वेंस शायद हमारा रिवर्स है। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, 15,000 यार ढूंढे, एक मिनट, 15,000 ढूंढे गए, ओके तो एक्चुअल प्रोडक्शन एंड में 12,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स, 500 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन हमने भी फाइंड आउट की है। वन यूनिट शुड टेक, बिल्कुल आसान डाटा है ये डाटा बहुत आसान है कंपेरेटिवली, जो हमने पहले भी बहस की है। वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज ऑफ एक्स, वन केजी ऑलरेडी पर यूनिट अवेलेबल है, तो वो हमें काम नहीं करना पड़ा जो पर यूनिट कल बनाना पड़ रहा था। सिमिलरली वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज ऑफ जी, टू केजीज ऑफ जी, सॉल्व करें, 15,500 एंड सेकेंड 31,000 टोटल 46,500, तो 15,500 units of zeta should be produced by using 15,500 kgs and 31,000 kgs of x and z respectively. Okay, last column banwa de. What is actual quantity used in actual mix for actual production? Ab yahan koi breakup ki zarurat nahi hai, yahan rates ki behas nahi hai. Quantity 16,000 kgs है and 29,000 kgs है, मिल गया डेटा, सारी डेटा मिल गया है, it means 45,000 kgs से actual production हो गई है। second column एक मिनट में final करें, starting point actual quantity यूज्ड लिख में करें, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। वन बाय टू इसका टोटल कर लिया करें, ठीक है बात मासूम सी, वन टू केजीज लिखा हुआ, लेकिन कितने टोटल में से वन, तो तीन में से एक और तीन में से दो, अब पर यूनिट अवेलेबल है, हमें शायद कोई फर्दर वर्किंग की जरूरत नहीं है। असलान सर फिनिश गुड्स का लेजर बना के सर,
जी सर जी, 45,000 ठीक है जी स्टार्टिंग पॉइंट। मल्टीप्लायर बाय बोल दें प्लीज, 1/3 कहाँ से आया, किस किस को जमा किया है, 1 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 3 kg, तो 1/3 एंड दूसरा 2/3। कर क्या रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल दे अच्छा सा उर्दू में, ये क्या किया हमने, ये किया क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट किया है। तो ये एक अच्छी फिगर आ रही है जिसमें से हम फर्दर एक जरा रुक के जरा रिलैक्स होकर सो सकते हैं। 45,000 kg का लगा है, उसका 1/3 और 2/3 15,000 और 30,000 होना चाहिए था, होना चाहिए था, है कितना कितना वो अभी हम देख लेते हैं, वो हम देख लेते हैं, वो हमें लास्ट कॉलम में नजर आ रहा है। ठीक है सर, अब इसमें से फाइनल कर ले, अगर रेंडमली हमें सोचना पड़ जाए, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में पहले मिक्स अगर लिखा है तो हम मिक्स ही सोच लेते हैं, और अगर यील्ड लिखा है बाद में तो बाद में यील्ड सोचते हैं। बताएं कौन से कॉलम्स विल रिफ्लेक्ट मिक्स वेरिएंस, फाइनल करें से सोच के। अच्छा ये कोई रट्टा भी नहीं लगाने की जरूरत है, ऊपर देखें कंसंट्रेशन से देखें, आपको पता चल जाना चाहिए। स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स किस कॉलम में कंपेयर हो रहे हैं, सेकंड और थर्ड में, स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स, और फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज कंपेयर हो रही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। मिक्सिंग का तो वहां फर्क है नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, तो सेकंड एंड थर्ड से क्या निकलेगा, और फर्स्ट एंड सेकंड से कौन सा उसने मांगा नहीं है, कौन सा उसने मांगा नहीं है, यूजेज कहां से निकलता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब फाइनल करें, वापस जाएं जहां स्पेस छोड़ी थी आपने, फाइनल फिगर्स, एक मिनट लगाए मैं जरा इंतजार करता हूं आपका। $15,000 - $16,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट स्टैंडर्ड लगने से जी 30,000 29,000 इनटू मंथली। वन सिक्सटी
एडवर्स 105 फेवरेबल, ठीक है, नेट 55,000 एडवर्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड 15,500 माइनस 15,000 31,000 माइनस 30,000 80,000 एंड 105। ये फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन भी सही लीजिएगा फाइनली। वन एटी फाइव फेवरेबल, ठीक है जी, फेवरेबल एडवर्स। बाद में वैसे एक्चुअल क्वांटिटीज है इन सारे फॉर्मूलाज में। ठीक है सर, अभी मैच तो हुआ नहीं यार, ये प्राइस वेरिएंस से मैच तो हुआ नहीं, ये किससे मैच होना था तो यूजेज क्यों नहीं निकाला, रिक्वायर्ड नहीं था। लेबर वेरिएंसेस के साथ होमवर्क लिखें, जो नंबर टू रिक्वायरमेंट है, और बी रिक्वायरमेंट जरा मेरे साथ करें, जरा पहले इसको टाइम लगा लें, फिर टाइम बचता तो लेबर भी कर लेते हैं। एक एक करके पढ़े जरा, तो कहते हैं वो ही करें। कंप्यूट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर्मूला, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट या पर आर, वाई पर आर नॉट पर आर, पर यूनिट क्यों, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन। अच्छा थोड़ी सी गेम मेरा संजीदा हो जाए, नहीं फिर रख फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन होना, एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढ दे सर, 15,500। अब पूरा जरा बोल दे, ढूंढ क्या रहे हम आगे, 15,500 से मल्टीप्लाई करना है, अपने जेहन में पूरा बोल के ढूंढे जरा। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट तो ठीक है, लेकिन एक वर्ड और ना लगाया तो बात बननी नहीं है, नहीं अब्सॉर्प्शन भी लगा लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो ख्याल है हम 180 ढूंढ रहे हैं, और गिवन है पर यूनिट है, अब पर यूनिट है तो पूरा वर्ड ना लगाया तो बात बननी नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ढूंढ रहे हैं। 180 पूरा बोले क्या है, ये बाकी सब कुछ है लेकिन फिक्स्ड नहीं है, ये कंबाइंड है, ओवरहेड है ये, तो हम इसका इसके अंदर से फिक्स्ड ओवरहेड अलग करना चाहते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली बड़ा सिंपल है, जरा पॉइंट नंबर 3 नीचे ध्यान में लाएं, पढ़े जरा पॉइंट नंबर 3। क्या हमारे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, कितने, 540। ये आगे सेंटेंस कंप्लीट करें, ये बेस्ड ऑन किस तरह कैलकुलेट हुए हैं, क्या आपके पास बजटेड लेबर आवर्स कहीं अवेलेबल हैं? नहीं अवेलेबल नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपका जवाब ठीक है, लेकिन आपके पास ना बजटेड यूनिट्स अवेलेबल हैं, और शायद हमें भी अल्टीमेटली चाहिए वही हैं। तो एक मिनट जरा, दो तीन डिफरेंट तरीकों से जरा लेकिन बात सुन लीजिएगा, कैलकुलेटर उठाए, 15,000 यूनिट्स हैं या घंटे हैं, कौन से यूनिट्स हैं, ये बजटेड यूनिट्स हैं, इन बजटेड यूनिट्स को बनाने में टोटल बजटेड टाइम कितना रिक्वायर्ड है, ये जरा एक मिनट सोचना है। जरा दोबारा पॉइंट नंबर 3 पढ़ें, ये बेस्ड ऑन किसके है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। वापस ऊपर डेटा में जाएं जहां स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक यूनिट को बनाने में टाइम चाहिए कितना यार,
8.8 आवर्स, तो 15,000 यूनिट्स कितने टाइम में बनेंगे यार, कैलकुलेट करें जरा। 15,000 डिवाइडेड बाय 0.8, ये गेम यही है, ये डिवाइड होना या मल्टीप्लाई होना है, दोबारा तसल्ली से सोच लें। डिवाइड बाय 0.8 क्या है, ये 15,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट को बनाने में 0.8 आवर्स लगने हैं, तो यूनिट्स ज्यादा होंगे या घंटे, पहले ये सोच के मुझे बताएं। 0.8 आवर्स है, 0.8 आवर्स पर यूनिट है, तो एक घंटे से कम टाइम चाहिए, तो आवर्स हमारे कम निकलेंगे। ये भी जरा इस तरह भी सोचा जा सकता है। एक मिनट 15,000 डिवाइड बाय 0.8 करें जरा, इसकी सेंस क्यों नहीं बनती, मगर डिवाइड बाय 0.8 करेंगे तो 15,000 से आगे आंसर आ गया, कितना आया तकरीबन, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। क्यों? कि यूनिट्स कम बनने और घंटे ज्यादा लगने, हालांकि ऊपर स्टैंडर्ड कहता क्या है कि टाइम कम चाहिए एक यूनिट को एक घंटे से, तो इनटू 0.8 करें 12। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि करके देखा करें, इस तरह करके मतलब फाइनली सॉल्व करें, लेकिन उससे क्या हो रहा है और इससे क्या हो रहा है ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 0.8 करें या डिवाइड बाय 0.8 करें, करें तो 15,000। अब बाद में इसको जैसे भी लिखना चाहे आपकी चॉइस है, एक मिनट जरा पहले समझ लें। 15,000 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 12,000 क्या आया, आवर्स, अब बजटेड आवर्स। अब स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट का था, वहां से हमने 12,000 घंटे बजटेड टाइम निकाल लिए। अब 540 वाली लाइन दोबारा पढ़े, अगर मैं इसको 12,000 से डिवाइड करूं तो एक मैं सॉल्व करें जरा, 45 का पूरा नाम बढ़ाए, पर यूनिट नहीं, पर यूनिट ही नहीं, पर आर, व्हाई दिस पर आर, बेस आर्स है तो ये है तो पर आर, लेकिन पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, इट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट, फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आर। अब इसे पर यूनिट में कन्वर्ट क्यों करना हमने, क्योंकि हमने बाइक प्रोडक्शन ली है, सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन ली है, तो इसी को एज इट इज ट्राई करें जरा। अब बताएं 45 पर आर अगर है तो इसे पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, क्या ये एक घंटे के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, क्या ये एक घंटे के 45 फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और अब आपने एक यूनिट के फिक्स्ड ओवरहेड्स की तलाश करनी है, क्या करें क्या करें क्या करें, एक यूनिट को टाइम कितना चाहिए 0.8 आवर्स, तो मल्टीप्लाई कर दें, सोचो सर डिवाइड कर दें, करें डिवाइड कर दें, जब तक आप इसमें बोलेंगे नहीं जिसमें बोल रहे हो आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आप बोलें लेकिन आप पीछे मुड़ गए। 45 रुपए एक घंटे के हैं और हमने 0.8 आवर्स के फाइंड आउट करना है, तो क्या इसकी बेस 1 नहीं है, और हम 0.8 तक जाना चाहते हैं, क्या ये 0.8 आवर्स के पैसे हैं, तो मार्कअप मार्जिन ही सोच लें कम से कम, इसको हम डिवाइड 0.8 कर ही नहीं सकते, ये बेस 1 है और इनटू 0.8 है। एक मिनट करें जरा, इनटू 0.8 अभी 36 बताएं क्या है, उसको जोड़ें, क्या ये 0.8 आवर्स का नहीं है, अब इसको जरा एक घंटे का बनाया जरा, अगर 36 को एक घंटे का बनाना हो तो आप क्या करें, फिर 0.8 से मल्टीप्लाई करना, अब इसकी बेस 0.8 है और इनटू 1, तो व्हाट इज 45 पूरा बोले, पर आर एक घंटे के 45, हम क्या देखना चाहते हैं, पर यूनिट का प्रॉब्लम क्या है कि एक यूनिट बनता कितने टाइम में, 0.8 आवर्स में, तो हम इसको बेसिकली एक घंटे की बजाय, एक घंटे से सॉरी 0.8 आवर्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और 0.8 आवर्स में क्यों लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट उतने टाइम में बनता है, तो 0.8 आवर्स के जो पैसे होंगे वो बेसिकली एक यूनिट के पैसे होंगे, तो क्या करूं सर, फाइनल बोल दें, 45 into 0.8 is equal to 36, what is 36 per unit fixed overheads, लेकिन एक सेकंड एक और कहेंगे सर,
5,40,000 लिखें, 5,40,000 के है लीज, 5,40 के है। इसका अगर मैं बजटेड यूनिट से डिवाइड करूं तो क्या मैं स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट तक आ सकता हूं सर? तो बजटेड यूनिट होने गई 15,500, 15,000 से डिवाइड करें। अब ये 36 क्या आया? अगर आपसे कहा जाए इस पर यूनिट को पर आर में कन्वर्ट करें तो क्या आप कर सकते हैं यार? अब क्या करेंगे, मल्टीप्लायर पर पॉइंट ऐड कर दें, हर एंगल से लिखा था। बल्कि सर एक फाइनल काम करवा दें, ये 15,500 के साथ मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय वाई 36 यूनिट्स हैं तो पर यूनिट रेट, आर्स होंगे तो पर आर रेट इज इक्वल टू द आंसर भी बता दें 558,000 मींस अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। लिखे जरा ये सारा कुछ, जी मैडी आगे क्या कहता है, चले आगे। जी सर ये रिक्वायरमेंट तो पढ़ना है यार, आगे क्या कहता है? अभी क्या हुआ है सिर्फ, नहीं अभी सिर्फ क्या हुआ, कंप्यूट अप्लाइड हुआ है अभी, एंड अब क्या करें, अब एनालाइज करें किसको, अंडर और अप्लाइड को किस 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 में। तो ये जरा तुम्हारा कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा, तो सबसे पहले जब अंडर और अप्लाइड शायद कैलकुलेट करें फिर उसको एनालाइज करेंगे। अभी अंडर ओवर अप्लाइड क्या होता है? अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब कौन सा वेरिएंस मांग रहा है? फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस यार, गेम कहां से शुरू होती है? टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला जरा ज़हन में लाएं, एक्चुअल और अप्लाइड, अंडर ओवर अप्लाइड का आता कैसे है, किन दोनों का एक्चुअल ने एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स 583 बाद में लिखिएगा, पहले कंप्लीट करवाए किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, अप्लाइड की वर्किंग क्यों ना करें, अब कितनी हुई भी है डिफरेंस लें, फाइनल डिसीजन लें, कैलकुलेटर पकड़ लें, बस पकड़ लें, मैं मेरे वर्किंग्स करवाएं, फिगर्स ढूंढें, सवाल में से वर्किंग्स करवाएं, छोड़ दें लिखना, ये भी होमवर्क है, इसके साथ होमवर्क लिखें, रजिस्टर में होमवर्क है। ये फिगर्स मिल गए सबको?
583 किस पॉइंट में है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स किस पॉइंट में थे? अप्लाइड किस पॉइंट में थे? डिफरेंस कहां से है? एडवर्स क्यों है? क्या ज्यादा है? फुल कंसंट्रेट करें अब, क्या फर्स्ट ब्रेकअप जेन में है? क्या फर्स्ट ब्रेकअप जेन में है? पढ़े जरा रिक्वायरमेंट, क्या एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है? एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बोले, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ढूंढे, गिवन है, गिवन है, गिवन है, ढूंढे 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 540 एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स ढूंढे, गिवन है 583, डिफरेंस लें 40, एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, कंसंट्रेशन से रिक्वायरमेंट पड़े, वॉल्यूम नहीं मांगा हुआ, जरूरत नहीं, वॉल्यूम नहीं मांगा हुआ, वॉल्यूम की जगह कंसंट्रेशन से पढ़े, इसका ब्रेकअप मांगा हुआ इनटू कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। लेकिन एक बार फुल कंसंट्रेशन सोच लें, क्या जो भी आंसर आएगा कैपेसिटी और एफिशिएंसी का वो मिलके वॉल्यूम वेरियंस ही होगा? yes, और क्या वॉल्यूम वेरियंस का वो टोटल आंसर और एक्सपेंडिचर वेरियंस का ये आंसर इस टोटल के साथ मैच होना चाहिए? तो उसने कौन से की बजाय कौन कौन से मांग लिए? तो कैपेसिटी वेरियंस का फॉर्मूला बोले, सोचे सोचे माय डियर, सोचे, गेम सीरियस है, क्या करूं क्या करूं माय डियर? बल्टेड कैपेसिटी आर्स, बल्टेड कैपेसिटी आर्स अगर हैं तो फिर आर्ली रेट ही मल्टीप्लाई होगा इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर, कंपेयर कैसे करना है? एक्चुअल कंज्यूम्ड आर्स से इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर से, कुछ नहीं लिख रहे, मैं लिखने नहीं दे रहा, बल्टेड कैपेसिटी आर्स गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी है, लेकिन सब कुछ कैलकुलेटेड है, सारा डेटा अपना देखें, क्वेश्चन देखें, अपने आंसर देखें जो हो गए हुए, बल्टेड कैपेसिटी आर्स 15,000 यूनिट्स, 12,000 घंटे निकल चुके हैं, 15,000 यूनिट्स अगर बनाने हैं और हर यूनिट ने 0.8 आवर लेने हैं तो 12,000 घंटों की प्लानिंग थी ताकि 15,000 यूनिट्स बन जाए, मल्टीप्लाइड बाय फाइनल बता दें क्या मल्टीप्लाई करूं, और 36 ही यार, इतनी मेहनत से 36 निकाला, कमाल है, 45 पे आ गए, व्हाई 45 घंटे हो गए अभी 45, सर ये देखें मैं आपके साथ रह के कोई दो नंबर कर ही नहीं पाऊंगा बेटा, मुझे बदलना होगा, बदल गया हूं मैं, आंसर आ जाएगा सर, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स ढूंढना, वो तो लेबर के, हम ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं, क्या उन्हीं आवर्स में लेबर की पेमेंट होगी और उन्हीं आवर्स में ओवरहेड्स भी इनकर होंगे? तो व्हाट इज एक्चुअल आवर्स कंज्यूम्ड इनटू 45, अब काइंडली बताएं आंसर्स, ये तो 540 हो जाएगा, ठीक है दूसरा बताइए, नहीं यार ना कोई दो नंबरी करवाएं और ना ही करें यार, क्या हो गया, डिफरेंस लें 9900 का फैसला करें, फेवरेबल हो गया, इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन, अगर फेवरेबल इन्ना लिल्लाह मैंने कहा तो एडवर्स ही होगा फिर, सर जी बगैर सोचे समझे नहीं हो सकता ये, घंटे कंपेयर करें, आपने प्लानिंग की थी कि 12,000 घंटे पढ़ेंगे और आपने पढ़ा कितना टाइम है, ठीक है इसमें कोई शुक्र नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्लानिंग ज्यादा थी, हमें पुरसकून नींद नहीं आनी चाहिए, हाँ अगली दफा से प्लानिंग कम कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल जो गलती से प्लानिंग हो गई है हम उसको अचीव नहीं कर सके, क्या फेवरेबल एडवर्स, वाई एडवर्स पूरा बोले,
ना ना ऐसा नहीं है, रुपयों का कोई इशू नहीं है, डिसीजन इज इन आवर्स। हमने कम टाइम काम किया है, हम अपनी कैपेसिटी अचीव नहीं कर पाए। कितने घंटों की प्लानिंग की थी हमने, अपने एम्प्लॉयज को कितने घंटों की प्लानिंग करके दी थी कि भाईजान इतने घंटे काम करना है, लेकिन उन्होंने कितना टाइम लगाया है, एफिशिएंसी चेक करवाए कैसे करते हैं, एफिशिएंसी अगर चेक करनी है तो कैसे की जाती है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट वंस अगेन पर आवर और कंपेयर इट अगेंस्ट अगेन एक्चुअल आवर्स कंज्यूम। एट द रेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स पर आवर। जी सर एक्चुअल कंज्यूम आवर्स वही है 11,785 इनटू 45। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दो, एक्चुअल प्रोडक्शन माय डियर बता दो 15,500। वन यूनिट शुड टेक 0.8 आवर्स। कैलकुलेट करें जरा, यहां तक सॉल्व करें, फेवरेबल एडवाइस का डिसीजन ले लें, बाकी वर्किंग करता हूं। 12,400 घंटों का काम कितने घंटों में हुआ है, आंसर बताइए। फाइव बाई फाइव, एक मिनट, डबल फाइव एट ट्रिपल जीरो और 500 तो वही है ना, कर ले सॉल्व। नहीं मतलब फिगर ठीक है मेरी, डिफरेंस 27,900 क्या है सर, 27,900 क्या है, कैसे डिसीजन होगा आज से। लेकिन आर्स बेटा ये यहां तक आर्स बनेंगे, 15,500 तो घंटे हैं या यूनिट्स है, यूनिट्स है, इन टू 0.8 से आर्स बनेंगे, तो विदाउट सॉल्व किए मुश्किल हो जाएगा। 12,400 सॉल्व कर लिया तो 12,400 घंटों का काम 11,780 घंटों में हुआ। तो यकीनन लेफ्ट साइड देखें कैपेसिटी तो अचीव नहीं हुई, टाइम तो कम यूज किया है, लेकिन जो टाइम इस्तेमाल किया है उसमें काम ज्यादा घंटों का किया, तो कम टाइम में ज्यादा काम किया गया है। फेवरेबल या एडवर्स, फेवरेबल या एडवर्स, वाई फेवरेबल, नहीं मेरा ख्याल ये इस तरह नहीं है, ज्यादा काम ठीक है, ज्यादा टाइम का काम कम टाइम में किया। अच्छा ये मैच तो हुआ नहीं, 9,900 और 27,900 फेवरेबल, ये मैच तो हुआ नहीं 43,000 से और ना ये 25,000 से। एक मिनट, तीनों का जरा सम, इन दोनों का जो भी सम आएगा वो आना था वॉल्यूम के बराबर, और वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर का सम अगर आप करेंगे तो 25,000 एडवर्स फाइनल हो जाएगा। मेरी सजेशन ये है कि आपके सॉल्व तो किए, बल्कि सॉरी आपने मुझे सॉल्व तो करवाया, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली घर जाकर सॉल्व करें इसे तो मेरे ख्याल है वो ज्यादा मुनासिब, ऐसे ही आंसर गाइब ही होगी। तो घर के लिए अब क्या क्या है, इसी क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट फाइनल करनी है आपने और बी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अल्लाह हाफिज, छुट्टियां सर, हम तो घर में पढ़ रहे हैं, घर की बात ही है, घर वाली बात ही है, आप भी बैठे मैं भी बैठ के बेला बैठा लगा हूं। जी डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल हो यहाँ तक, एटलीस्ट फिगर्स में से फाइनल होनी चाहिए जो मैंने सॉल्व किया, बाकी बाद में आप लिखते रहिएगा। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल तो नहीं, एक क्वेश्चन नहीं बेटा प्लीज, चलिए वाइंड अप कीजिएगा क्वेश्चन घर में। अल्लाह हाफिज़।
रिजल्ट आ रहा है ना जैसे सर, मैच याद आ रहे थे ना जो मेरे पास,